जोन में हो रही लगातार अपराधियों की कार्रवाई पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि अपराधियों पर नजर रखना, उनके अपराधी गतिविधियों की रोकथाम करना एवं समय रहते कार्रवाई करना पुलिस की प्राथमिकता है। जनपद गोरखपुर में पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है। अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्रिनेत्र भी चलाया जा रहा है, जो कि महानगर के विभिन्न चौराहों पर लोगों के सहयोग से कैमरा लगवाया जा रहा है। अभी तक 70 से ज्यादा चौराहों पर सीसीटीवी लगवाया जा चुका है। इसके अलावा कई ऐसे चौराहों पर जहां पर सम्मानित नागरिक आगे आकर अपनी स्वेच्छा से चौराहों पर सीसीटीवी लगवा रहे हैं तथा 500 से 700 ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी लगवाने के लिए सहमति दिए हैं। आने वाले दिनों में जनपद के सभी चौराहों पर सीसीटीवी लगा दिया जाएगा, जिससे अपराध पर रोकथाम करने में मदद मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति महानगर में अपराध करता है तो उसको सीसीटीवी के माध्यम से जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, सर लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अपराधियों पर नजर रखना, उनकी अपराधी गतिविधियों पर रोकथाम करना और समय रहते हुए कार्रवाई करना, ये पुलिस की एक प्राथमिक ड्यूटी है और इस विषय में हम लोग सजग हैं और सभी जगह, विशेष रूप से गोरखपुर में जनपदीय पुलिस अच्छी मेहनत कर रही है, कार्रवाई कर रही है। इसी दिशा में हम लोगों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र भी लगा रखा है, जो जनता के सहयोग से हम सीसीटीवी लगा रहे हैं। अब तक हमारे करीब 70 से ज़्यादा चौराहों पर सीसीटीवी लग चुके हैं और कभी 125 चौराहों पर स्वयं जनता के अच्छे नागरिक आगे आए हैं, जो सीसीटीवी लगाने के लिए सहमति दी है। इसके अतिरिक्त करीब 500 से 700 के प्रधान ग्रामीण क्षेत्रों में सहमति दी है और वो अपनी कार्ययोजना में इसको डाल रहे हैं और आने वाले वक्त में गोरखपुर में हर प्रमुख चौराहों पर स्थान पर सीसीटीवी लग जाएंगे, जिससे अपराध नियंत्रण में और हमें मदद मिलेगी। तो अपराधियों पर सर्विलांस करने में सीसीटीवी के माध्यम से और फिर उन पर जो आदमी सक्रिय है या किसी प्रकार के अपराध करने का प्रयास कर रहा है, उस पर समय रहते हुए कार्रवाई करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा सफल होंगे और आते इस पर हम लोग प्रभावी कार्रवाई करते भी रहेंगे।